क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड चैप्टर सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन नंबर 52। इफ़ द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 6 ईयर्स बी इक्वल टू 30% ऑफ द प्रिंसिपल, इट विल बी इक्वल टू द प्रिंसिपल आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स। इसमें सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 6 ईयर में प्रिंसिपल का 30% हो रहा है, तो हमें ये पता करना है कि ये सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल के इक्वल कितने ईयर्स में होंगे, हमें यह फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल को लेट लेते हैं, लेट प्रिंसिपल बी रुपीज़ एक्स, तो इसका इंटरेस्ट जो होगा वो 30% है ना, तो 30/100 ऑफ एक्स, सो 0 0 कैंसिल, सो इज इक्वल टू 3x/10। और टाइम जो है वो 6 ईयर गिवन दिया हुआ है, सो देयरफॉर आर इक्वल टू आई इंटू 100/p/t, सो इज इक्वल टू 3x/10/100 प्रिंसिपल एक्स, और टाइम है 6 ईयर्स, एक्स से एक्स कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 3 2 6 5, तो रेट जो है वो हमारा 5% आ रहा है, तो रेट जो है वो हमारा 5% निकल गया। तो अब हमें क्या फाइंड करना है कि कितने टाइम पे ये सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल के इक्वल हो जाएगा। तो न्यू जो इंटरेस्ट है वो क्या कह रहा है कि वो प्रिंसिपल के इक्वल कब होगा, हमें ये फाइंड करना, और रेट ये यूज़ होगा, टाइम वही है, सो देयरफॉर रिक्वायर्ड टाइम इक्वल टू इंटरेस्ट इंटू 100/p/r, और ये हो गया 5, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, ये 5 20 जा, सो इज इक्वल टू 20 ईयर्स, सो विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। अब इसको हम एक अनदर मेथड से इसको सॉल्व करते हैं, सेकंड मेथड में हम इसमें क्या करेंगे कि जो सम जो है, इस सम को हम सपोज एक्स ले लेते हैं, और इसमें जो टाइम जो है वो फर्स्ट ईयर का दिया हुआ है 6 ईयर्स, सो हमें सेकंड वाले पार्ट केस वाले का हमें टाइम निकालना है, और इसकी इंटरेस्ट जो है वो 30% ऑफ प्रिंसिपल के, और सेकंड केस में जो इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल के इक्वल है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो इसमें हमारा अमाउंट 1 जो निकलेगा वो दोनों को ऐड कर देते हैं, एक्स प्लस 3/10x, सो 13x/10, और अमाउंट 2 जो होगा वो एक्स प्लस एक्स, सो इज इक्वल टू 2x। तो इसमें हम जो ट्रिक के जो रूल है वो यूज करेंगे, t2 इक्वल टू n2-1 और n1-1 इंटू t1, सो इज इक्वल टू n2 जो है वो 2 टाइम्स है प्रिंसिपल के, और n1 जो है वो 31/10 टाइम्स, और टाइम 6 ईयर, सो इज इक्वल टू ये 1 हो गया और ये 10, 3/10 × 6, सो इज इक्वल टू 10/3 × 6, सो 3 2 6, सो इज इक्वल टू 20 ईयर्स, सो विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। सो द ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर।